नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और लगातार सातवीं बार शपथ लेते हुए नीतीश कुमार इस बार लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। इस बार जो विवाद है उनके विधायक तारापुर से मेवालाल चौधरी को लेके है। आपको बता दें कि वही मेवालाल चौधरी हैं जिनको अपने पार्टी से एक समय नीतीश कुमार निष्कासित कर दिए थे। उन पे कई घोटाले का आरोप है। नियुक्ति घोटाला सबसे बड़ा घोटाला उनका माना जा रहा है। आपको कुछ और तथ्य बता दें कि 16 तारीख को नीतीश कुमार के साथ 15 मंत्री में एक मंत्री वह भी बने थे। हालांकि उनको इस बार शिक्षा विभाग मिला है और इसी चीज़ को लेके आरजेडी लगातार उन पे हावी होते नज़र आ रही है। आरजेडी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। आरजेडी ने ट्वीट करके लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लिखा है, जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, वही भ्रष्टाचार के भीम पितामह नीतीश कुमार ने मंत्री से नवाजा है। यही है 60 घोटालों के संरक्षककारी नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र। यह आदमी कुर्सी के लिए किसी भी निम्न स्तर पर गिर सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके और कहा है कि आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि एक जिला और एक जात को नौकरी देने वाले भ्रष्ट आदमी नीतीश कुमार ने एक घुसखोर मंत्री को शपथ दिलाई है ताकि उसे फिर से एक कांड करवा सकें। नीतीश कुमार जी, इतना कोई बेशरम नहीं होता। नीतीश कुमार की नौटंकी देखिए। तेजस्वी पर फर्जी केस करवा कर उनसे इस्तीफा मांग रहे थे और यहाँ खुद ही एक भ्रष्टाचारी मंत्री से अपना काम निकलवा रहे हैं। कर्म की मार से बच नहीं पाओगे नीतीश कुमार। तो लगातार नीतीश कुमार पर आरजेडी हमलावर होते जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस बार एनडीए की जो सरकार है उसमें नीतीश कुमार अपने जेडीयू कोटे से बने विधायक मेवालाल चौधरी को इस्तीफा दिलवाते हैं या लगातार मंत्री पद ही उनको दे के रखते हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।